दोस्तों मुंबई का नज़ारा है और 13 अक्टूबर की सुबह है और आज मैं बात करने वाला हूँ एक नए टॉपिक के बारे में और वो है राम सेतु और वो बाहुबली। जी हाँ दोस्तों, अपना चेहरा दिखाई देना चाहता हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत ज्वलंत है। जैसे ही राम सेतु का ट्रेलर रिलीज हुआ, वैसे सबसे पहली चीज़ जो कहने लगे राम सेतु ट्रेलर को तो लेकर कोई बुराई कर नहीं सकते हेटर्स, तो अब क्या कह रहे हैं वो मैं बताता हूँ। राम सेतु ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पर राम सेतु का पत्थर लेकर बाहर आते हुए नज़र आते हैं हमारे सुपरस्टार अक्षय कुमार। अब लोगों ने इस सीन पर भी पाबंदी लगाते हुए ये कहा है कि भैया ये तो बाहुबली जो वन है उसका जो लुक है उससे उठाया गया है, यानी कि वहाँ प्रभास शिवलिंग को उठाते हुए नज़र आते हैं और यहाँ पे अक्षय कुमार राम सेतु के पत्थर को, तो इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये महज एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं है, ये कोई कॉपी नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है दो अलग फिल्म के दो अलग दृश्यों को इस तरह से एक साथ लाकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना कहीं से भी जायज़ और ठीक बात नहीं है। और यहाँ पर मैं यही कहूँगा, दोनों ही सीन हल्का फुल्का लगता होगा सिमिलर है, लेकिन क्या हर एक फिल्म में प्यार होता है, हर एक फिल्म में तकरार होता, तो अब ये थोड़ी कह सकते सब कॉपी है। फीलिंग्स अलग होती है, सिचुएशंस अलग होते हैं, कैरेक्टर्स अलग होते हैं और सीन्स भी ऐसे अलग अलग होते हैं। कुछ तो हल्का फुल्का इधर उधर तो मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी है। तो मुझे नहीं लगता है, या मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डायरेक्टर ने ऐसा कुछ सोच के डाला होगा ये सीन कि भाई बाहुबली में भी था तो हम भी डालेंगे तो हमारी फिल्म भी बाहुबली जैसा कमाई, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। चाहे वो वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा।